गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम सुबह सुबह आपको दिखाएंगे मंकी के करतब, जो कि हमारे यहाँ आप बहुत इंजॉय करिए। आज पूरी मंकी की फैमिली आई है, मम्मी पापा और बच्चा, और यहाँ पे है दादी, छुपी बैठी है दादी। दादा दादी देख रहे हो, बहुत ज्यादा तो नहीं खा रही है? ओ छोटू मंकी, हाय अनाया। अरे दोनों पूछ लो, अपनी माँ से पूछ लो, उन्होंने खाया नहीं खाया, यहाँ छुपी बैठी है। वो देख इधर बैठी, उनकी पूछ दिख रही है, दादी की पूछ दिख रही है। फैमिली से अलग बैठी है। अरे अब मम्मी को अरे ले गई यार फीड कराने। टाटा टाटा कह दो मंकीज को, टाटा पापा। आज के दिन हम सुबह सुबह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगे, हम बनाएंगे अपना हेयर मास्क। बहुत दिनों से पेंडिंग था हिबिस्कस हेयर मास्क, हिबिस्कस बोलते मम्मा, हिबिस्कस मम्मा ने इसका प्रोनंसिएशन सुनाया, तो इट्स हिबिस्कस फ्लावर्स जो होते हैं, रेड फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं पीछे, तो इसका हम बनाएंगे हेयर मास्क। मेहंदी का है क्या मम्मी? गाइज ये मेहंदी प्लांट है, दिस इज बालों के लिए अच्छी होती है मेहंदी। एक मिनट मम्मी शॉट तो आने दो, मेहंदी लीव्स है ये, जो मेहंदी हम हाथ में लगाते हैं वो टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती। ये जो मुरझाए हुए फूल होते हैं ना, तो दो तीन दिन के बाद जब फूल हो जाते हैं वो तोड़ते हैं। हाँ तो हमारी पॉलिसी है कि हम पेड़ से फूल नहीं तोड़ते हैं, बट जो फूल खिल चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको हम तोड़ करके ले आते हैं और हम इसका बनाएंगे हेयर मास्क। डालेंगे विद द छिलका, क्योंकि छिलका पिस जाएगा। फ्लावर्स एंड मेहंदी लीव्स, अच्छा हिबिस्कस की भी लीव्स होती है, वो भी डालनी है हमको। थोड़ा सा पानी डाल दे। को स्मूथ पेस्ट के लिए हम लोग अभी छान रहे हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कचरा है वो निकल जाए और ये अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ हम अपने बाल में लगाएंगे तो इतना धोते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे बाल धोते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं हिबिस्कस का, हिबिस्कस जो भी है, हिबिस्कस भी है एक भी। हाँ सो पूरी दुनिया प्रोनंसिएशन अलग अलग तरीके से बोलते हैं, सो वी विल स्टिक टू हिबिस्कस नाउ। हाँ जा रहे हैं हिबिस्कस के साथ मम्मी, ठीक है, हिबिस्कस इज द नेम। देखो पैक रेडी है, पैक और अनाया खेल समझ रही है। बेटा खेलने का नहीं है, पानी थोड़ी है, तो सब चीज में तुम्हें आना है। दिमाग लगा करके एक षड्यंत्र रच करके उसको फंसा दिया एक जगह पे, पर वो फंसेगी नहीं, वो बाहर निकल रही उधर से भी। नायू नाया नाया
आ गई ये लड़की, इस लड़की के भी लगा दो। ये लड़की मेरी पॉलिश है। आप बड़ी जोगे तो मैं भी आपके लगा दूंगी, ठीक है? हमने लगा लिया है मास्क, हेयर मास्क पूरी अच्छे तरीके से, और अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये एक घंटा मिनिमम लगे रहना चाहिए, उसके बाद नहाने जाना है। सो टाइम पास चल रहा है, हम लोग चिल कर रहे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया, मजे करो। आपका ये कहाँ है, पजामा किधर है? Where is your pajama? Get me your pajama. Go. हमेशा उल्टी जगह जाओगे। ये नहीं है पजामा। ओह हाँ, ये पजामा ही तो है आपका। Okay. Communication skills आपकी बहुत अच्छी हो गई है गुड्डू। आ जाओ। अब पहनने तो आपको जाना पड़ेगा। आपको ये तो पहनना पड़ेगा। अभी बाल भी धो लिए गए हैं। बाल धोने के मतलब बाल आपको बिना शैम्पू यूज किए धोने का है, मतलब सिर्फ रिंस करना है बालों को, और हल्का हल्का से थोड़े से कचरा रह जाएगा क्योंकि हमने उसको छाना भी है, उसके बाद भी थोड़ा सा रहता है, तो वो भी आप बहुत अच्छे से धोइए, अच्छे से रिंस करिए, और देखते सूख जाए, फिर आपको मेरे बालों की शाइनिंग पता चले। बालों की सजावट दिखाने के लिए मैं खुद भी सज गई हूँ, और आप देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस। एक तो सनलाइट का भी असर है, और ऊपर से आई कैन फील द स्मूथनेस, और थोड़े से तो बाल शाइनी तो हुए हैं। इट्स अ गुड मास्क, यू शुड ट्राई। Trying to get ready for an Instagram shoot, मतलब एक छोटा सा shoot करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, and surprisingly Anay is helping me with my makeup. Anay, मम्मा का कर दो, कर दो makeup, कर दो। तुलसी में पानी डाल दो। ओहो, ओ वाह, अरे वाह गुड्डू, देखो। सो आई एम रेडी फॉर माई शूट। एक्चुअली मुझे द मेड ऑन अर्थ एक ब्रांड है, ऑर्गेनिक ब्रांड फॉर किड्स प्रोडक्ट्स, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा हैम्पर भेजा था राखी का। इट वॉज फॉर अनाया, एक्चुअली अ स्वीट राखी फॉर अनाया, एंड उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सही है। द राखी हैज़ अ सीड इनसाइड एंड इट कैन एक्चुअली ग्रो इनटू अ प्लांट, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक जूट बैग है, और ये एक सॉइल है, सॉइल में हमने पहले से ही पानी डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा एनलार्ज हो गई है, और इस सॉइल को हम इस जूट बैग में थोड़ा सा भरेंगे। और अभी हमने इसको 3/4 भर दिया है सॉइल से, अब हम इस राखी को इसमें डाल देंगे और फिर से उसके ऊपर सॉइल डाल देंगे। गाइज, हमने ये राखी को जूट बैग में ऐसे सो कर दिया है, और थोड़े दिन में आई गेस 1 वीक में हमें थोड़ा एक अपना सीड ग्रो होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। सो दिस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट बाय, प्लीज अवॉइड माई पसीना, इट्स अ वेरी ह्यूमिड वेदर। सो दिस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट बाय द मेड ऑन अर्थ। आप लोग भी अपनी राखी ऑर्डर करिए, और ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए, और अपने भाई बहनों को
यही राखी गिफ्ट करिए। आप राखी के दिन पहना दीजिए और बाद में उसको उगा दीजिए, आप नेक्स्ट राखी तक भी उसको देख पाएंगे।